मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अपने अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग मजे से अपने घर में जीवन यापन कर रहे हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इंग्लिश का वीडियो लेके आया हूँ, रिविज़न वीडियो लेके आया हूँ। लगभग मैंने क्लास 9th और 10th का ग्रामर में 90% सिलेबस, दो या तीन टॉपिक आपको और बच रहा है। एक बच रहा है चेंज टेक्सेस, हरी बात समझ में, और दूसरा आपको बच रहा है वाइस, और तीसरा बच रहा है रिप्रोडक्टिव। ऐसे ऐसे एक दो टॉपिक, दो तीन टॉपिक और बच रहे हैं, लगभग मैंने आपको ख़त्म कर दिया है। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ रिविज़न। मैंने जितना पीछे पढ़ाया है इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आपको उसको करना है एज ए रिविज़न। अरे बात समझ में, क्योंकि आप खुद से रिविज़न करते नहीं जी। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नॉन वर्बल डेटा कम्प्रिहेंशन। क्या पढ़ाया था? नॉन वर्बल डेटा कम्प्रिहेंशन। इसको करना क्या है मैं सबके बारे में थोड़ा शॉर्ट बताऊँगा। इसके डेटा को पढ़ना है, पढ़ करके चार क्वेश्चन दिए गए हैं जी। ये कितने मार्क्स के आते हैं एग्जाम में? 4 मार्क्स के आते हैं जी। ये वीडियो वस्तुतः क्लास एट, नाइन्थ और टेंथ के लिए, ये तीन क्लास वालों के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो है आपको, रिवीजन वीडियो। क्लास एट, नाइन्थ और सेवन्थ वाले भी कर सकते हैं। ये जो ये टॉपिक है नॉन वर्बल कम्प्रिहेंशन, ये 7, 8 और 9, 10th के लिए है। तो करना क्या है जी, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपको आंसर लिखना है, ठीक है? देख लीजिए, ये तो फिर पढ़ा दिया है मैंने। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अरे बात समझे, ये सिर्फ आपका होमवर्क के लिए, ठीक है? ये सभी को आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है एज ए रिविजन वीडियो है। इंग्लिश का पूरा रिविजन, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका रिविजन। कंप्रेंशन तो कुछ दिन पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। फिर आइडेंटिफाइंग फंक्शन, मैचिंग करना पढ़ाया था ना, ऐसे 5-6 वीडियो बनाया था। करना क्या है अभी, ये क्या कर रहा है, इसे पढ़ रहे हैं, है ना? पावर द मिल्क इन द ग्लास एंड एडेड सम शुगर, है ना? पावर ए मिल्क, एक मिल्क लीजिए इन ए ग्लास में और कुछ चीनी मिलाइए। एक प्रोसेस हुआ ना, एक गिलास पानी, नमक लो, चीनी लो, ये लो, ये प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपको जी, ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब प्रोसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, इसमें आंसर क्या लिखना है? पावर द मिल्क ग्लास इज डिस्क्राइब प्रोसेस, है ना? मदर यूजुअली कुक्स फूड इन मॉर्निंग, मम्मी जो होती है जी, जो है सुबह सुबह खाना पकाती है। खाना पकाना एक्शन है कि नहीं है, तो डिस्क्राइबिंग एक्शन। फिर सोहम स्टडीज इन ए कॉलेज इन पुणे, पुणे जगह कॉलेज के बारे में बता रहा है, पुणे के बारे में बता रहा है जो लोकेशन है, स्पेसिफाइंग लोकेशन। फंक्शन मैंने बताया था, कितने मार्क्स का पूछा आता है? ये 3 मार्क्स का पूछा आता है, इसे करना है आपको, ओके? मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा हूँ, सब पीछे जो करवाया हूँ उसी आपको करना है एज ए रिविजन। क्योंकि आप करोगे नहीं तो पूर्ण रूप से क्या करोगे, आप भूल जाओगे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको? डायलॉग कंप्रेसिंग। कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था डायलॉग कंप्रेसिंग। क्या करना है? लिखा हुआ नेहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? तो उस आपको ऐसा सेंटेंस होना है जो डिस्क्राइबिंग थिंग, इसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहा होगा जी, है ना? तो पढ़ते हैं, दिस इज ए बुक दैट टेल्स यू अबाउट आवर फ्रीडम स्ट्रगल, आरी भाषण में इसके विषय में है। या फिर इट इज़ ए बुक, ये एक किताब है इसके विषय में है। आई गो क्या बोल रहा है जी, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी से पाया जी, इट इज़ माई बुक, ये मेरा बुक है। तो किसी चीज़ के बुक के बारे में वर्णन करना है। तो दिस इज अ बुक दैट, ये वो किताब है, वर्णन हुआ कि नहीं हुआ जी? इसका आंसर ये होगा जी, पीछे मैंने पूरा पढ़ा। अगर ये इसका वीडियो नहीं देखे हैं, इसका वीडियो देखिए आप अच्छे से। डायलॉग कंप्रिहेंशन का है,
इसे पूरा क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर भी दे देता हूँ। एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा जी, ऐसे रिवीजन हो जाएगा कम से कम। ये बाकी है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वोकैबुलरी भी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में वोकैबुलरी रिपोर्टेड भी बाकी है, एडिटिंग हमने नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन वर्ड्स हमने पढ़ा दिए हैं आपको, करना क्या है, कृष्णा हैज ए डजन मैंगो, इससे प्रश्न पूछा गया है आपको जी, कृष्णा हैज ए डजन मैंगो, कृष्णा के पास एक दर्जन आम है, तो प्रश्न पूछना है कृष्णा के पास कितने आम हैं, है ना। तो शुरू होने वाला है जी, हाउ मेनी मैंगोज हैज कृष्णा, कृष्णा के पास कितने आम हैं, ऐसा क्वेश्चन फ्रेमिंग वर्ड पीछे पढ़े होंगे, हमने आपको पढ़ाया होगा। आपको टिक मार के आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में टिक मारना है आपको, इसका जो 25 क्वेश्चंस हैं उसका ये मैंने आपको दिया इसका आंसर है। ओके, फिर आपको मैंने पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ाया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टीवी इसके बारे में पढ़ाया था, ये नीचे नहीं पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था आपको, माय स्टेट गुजरात के बारे में पढ़ाया था, इसका एक बार आपको रिवीजन कर लेना है दो, ठीक है। फिर हमने आपको ईमेल राइटिंग पढ़ाया था, बहुत पहले शुरू के वीडियो में पढ़ाया था, ईमेल लिखना है, नेट पे ईमेल लिखते हैं हम जी, ईमेल को कैसे लिखा जाता है इसके विषय में पढ़ाया था, कि पहले यहाँ क्या होता है, पहले यहाँ टू होता है, टू मतलब क्या, जिसको हमको लिखना होता है, ड्राफ्ट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अमर पांड्या, अमर पांड्या के बिहाफ में क्या लिखना है जी, टू हिज नेबर मिस्टर बक्सी, समझ रहे हैं जी, तो मिस्टर बक्सी को लिखना है आपको जी, कौन लिख रहा है जी, उसका मिस्टर बक्सी का ईमेल आईडी ये है, कंपेयरिंग अबाउट द लॉर्ड वॉल्यूम ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द लॉर्ड वॉल्यूम ऑफ द टीवी सेट इन द हाउस, कंप्लेन करना है कि भाई अपने घर का टीवी वॉल्यूम को कंट्रोल कीजिए, ईमेल लिखना है जी। तो टू में पता है आपको लिखाया था, इसका परफॉर्मा भी मैंने आपको दिया था वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके देइए, बोले ईमेल राइटिंग को लिखते कैसे हैं, हम पूरा डिटेल परफॉर्मा हमने दिया है, आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, आप जब वीडियो ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 इंग्लिश लिखा होगा, उसके अंदर ये होगा ईमेल राइटिंग, पहले टू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट क्या लिखना होता है वो होता है, फिर वो दिया हुआ है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये आपका ईमेल है। आपको हमने रिपोर्ट राइटिंग भी पढ़ाया था, ये है। फिर लास्ट में पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम में 5 नंबर का आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के आते हैं, और 9 क्लास में 4 मार्क्स के, और 7 क्लास में भी, 8 क्लास में भी 4 मार्क्स के आते हैं। ये पिक्चर को देखना है और क्या करना है आपको, अच्छे से डिस्क्राइब करना है आपको, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर को देखिए क्या क्या है इसके बारे में लिखना है। दूसरा, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम में कोई एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपको आएगा, यानी हमने आपको इतना लगभग पढ़ा दिया है, आ रही बात समझ में,
अब और देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर का एक सेट है, हमने ए सेक्शन अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बी सेक्शन देखिए हमने पढ़ाया आपको। बी सेक्शन में क्या होता है, देखिए स्टेंजा दिया गया है, पूरा स्टेंजा दिया गया है, इससे तीन क्वेश्चंस दिए गए, ये हमने पढ़ा दिया। पैराग्राफ क्वेश्चंस कंप्रिहेंशन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए यहाँ पर पाँच नंबर के हैं, चार क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ा दिया, ये क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया पीछे, है ना। फिर एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू का पूरे पहले पढ़ाया था आपको, दिया गया पाँच क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर में हमने आपको ये भी पढ़ा दिया। सेक्शन सी में ये पढ़ा था, ये हमने आपको पढ़ा दिया, ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, तीन मार्क्स का पूछा आता है। फिर ये बाकी है, 38-27 बाकी है, ये बाकी है, ये यहाँ से यहाँ तक बाकी है आपका। सेक्शन डी में डाइट इनडाइट बाकी है। फिर हमने देखे क्वेश्चन में 52-52 है, ये भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। एक पैराग्राफ 6 नंबर में पूछा जाता है, एक रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है ना, 9 और 10 का, ये भी पढ़ा दिया। और एक लास्ट डिस्टेंस पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर मॉडल सेट है, क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का और बोर्ड एग्जाम का है। तो हमने आपको इतना चीज़ पढ़ा दिया, हमने पढ़ाया क्या नहीं आपको, थोड़ा बहुत जो बाकी है ये इतना नहीं पढ़ाया, ये बाकी है थोड़ा सा, ये बाकी है, और क्या बाकी है, और सेक्शन ए का जो बुक का पोर्शन, सेक्शन ए का बुक का पोर्शन, बुक में कितना होता है, ये 10 नंबर का ये हो गया बुक का, अरे बस है, उसमें भी पैराग्राफ है, दो क्वेश्चन से आंसर देना, पैराग्राफ है दो क्वेश्चन से आंसर देना, पैराग्राफ है दो क्वेश्चन से आंसर देना, ठीक है। और एक रिपोर्ट राइटिंग होता है, और ट्रू फॉल्स करना होता है, समझिए। बुक से आपका सिर्फ यही है, कितने का, 4 नंबर का, 4-3 7 नंबर का, है ना, 7 और 10 17 नंबर का आपको बुक से आता है। और एक ये सेक्शन बी का एक पोयम है जो 17-20 नंबर, बस यही आपको 20 नंबर का बुक से आता है। तो बुक के घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आरी भाषण में बुक के लिए टेंशन मत लीजिए, हमने जितना पढ़ाया आपको इंग्लिश में उतने को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, समझ रहे हैं, जितना पढ़ाया हमने 20 नंबर का बुक से आपको आता है, बाकी जितना भी है सबके सब 80 नंबर का ग्रामर पोर्शन पूरा आता है, समझ रहे हो ना। तो बुक के पीछे आप टेंशन मत लीजिए कि सर ने बुक नहीं पढ़ाया कुछ भी तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बुक भी पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि बुक में है फेस टू फेस, जब तक नहीं पढ़ाया तो मज़ा नहीं आता है। तो हमने बुक को बचा के रखा है कि जब स्कूल खुलेगा तो बुक को हम सामने से पढ़ाएंगे, अरे बात समझ में। और फिर भी नहीं हुआ तो फिर आगे हम सोच रहे हैं 15 सितंबर के बाद से 15 सितंबर तक इंग्लिश को जहाँ है वो ख़त्म कर दें, उसके बाद से हम फिर बुक को शुरू करें, ओके। अब हमने जितना आज आपको दिया आरी भाषण में, उसको आपको अच्छे से कॉपी पर जितना भी हमने रिवीजन में दिया है, ये वीडियो रिवीजन हमने इसलिए दिया है कि पीछे आप जितना पढ़ लिए हैं सारा आपको पता चलना चाहिए कि हम पढ़ कितना लिए हैं, एग्ज़ाम के डिस्टर्बेंस कितना पढ़ लिए हैं। तो ये 5 नंबर का पढ़ लिया हमने, ये 4 नंबर का पढ़ लिया, 5-4 9 नंबर, और क्या पढ़ा हमने, 9-4 13 नंबर का पढ़ लिया, 13-3 16 नंबर का पढ़ लिया, 16-3 19 नंबर का पढ़ लिया, 19 के बाद क्या पढ़ लिया हमने, 19 और 3 कितना होगा, 22 नंबर का हमने पढ़ लिया, ये सब नहीं पढ़ा हमने, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। 22 के बाद ये 3 22 3 25 नंबर का पढ़ लिया, और हमने ये भी रूल डायरेक्ट भी पढ़ा दे, एक वजन से बहुवचन बनाइए, है ना, किंग्स वाला वाइल वाला, ये 3 नंबर का ये पढ़ लिया, 22-3 25-3 28 नंबर, 28 के बाद ये 6 नंबर भी पढ़ा, 28 से 34 नंबर, ये 5 नंबर का हमने भी पढ़ लिया, 39 नंबर, 43 नंबर, इतना हमने आपको लगभग 45 मार्क्स का 50 मार्क्स का अभी तक हमने पढ़ लिया, 50 नंबर्स का और पढ़ना हमको बाकी है, अरे बात समझ। तो पेपर 80 नंबर का ही होता है, अरे बात समझ में, यानी 45 से 50 मार्क्स का पढ़ लिया, 30 मार्क्स का हमको पढ़ना और क्या, 30 से 35 मार्क्स का हमको पढ़ना और क्या है आपको बाकी है। तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि इंग्लिश में सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे में कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो हमने आपके जो 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर के पेपर में से 45 से 50 मार्क्स का हमने आपको पढ़ा दिया है, 30 से 35 मार्क्स का आपको बाकी है, जिसमें 20 नंबर का बुक का आता है वो बाकी है पढ़ाने के लिए, और ग्रामर पोर्शन में लगभग 10 से 12 नंबर का आपको और पढ़ाना हमको बाकी है।
इसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो भी जैसे अभी अभी सितंबर महीना, अगस्त महीना ही चल रहा है, अभी पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, आपको मार्च में एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए आप धैर्य मत, हाँ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप ये प्रयास कीजिए कि उसको अच्छे से ग्रैप कर लें हम। बहुत ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाए जाओ। मैं आपको बहुत पढ़ा दिया लेकिन आपको आया कुछ भी नहीं, तो क्या मतलब, मेरा पढ़ाने का क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब नहीं। तो हमने आपको जितना पढ़ाया है 45 मार्क्स का पढ़ा दिया है, अभी अगस्त ही चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीना ख़त्म हुआ, हमने आपको 45-50 मार्क्स का पढ़ा दिया, अब 30 या 35 मार्क्स का और बच रहा है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप, वो भी समय से धीरे धीरे हर चीज़ों में पूरा होगा। हाँ ये कीजिए, जितना आपको पढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया आपको, वीडियो हमने अपलोड नहीं किया, चलो ठीक है अपलोड नहीं किया, देखिए किसी को क्या होता है मैसेज नहीं जा पाता है, अब ज्ञान सार यूट्यूब चैनल पर जाइए आप देखिए मैसेज ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, और मैसेज करने में क्योंकि यहाँ 500-600 बच्चों को हमें मैसेज करना होता है, तो मैसेज करने में एक घंटा जाता है, आपको लगता है कि सर मुझे सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मुझे 400-500 बच्चों को मैसेज करना होता है, और 400 पता है आपको, एक बार व्हाट्सएप डालते हैं तो सिर्फ 5 बच्चों को मैसेज आता है, तो सोचिए कितने 100 बार हमें मैसेज भेजना होता होगा, आप इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं एक बार डाल दिए ग्रुप में तो एडेड होता है, आधा जाता है आधा को नहीं जाता, तो इसका टेंशन मत लीजिए आप, समझ गए ना, मैसेज बाय चांस कभी नहीं गया, तो यदि आपको मैसेज नहीं गया एक दिन, मैं एक दिन गैप करके डालता हूँ, एक दिन गैप करके इसलिए डालता हूँ ताकि उतने दिनों में आप पीछे का भी रिवीजन कीजिए ना, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा पढ़ा दिया और आप खाली पढ़ते जाओ, पीछे का कुछ याद ही नहीं, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप 9 क्लास में हो, चलिए 7-8 की तो बात है, 9 हो 10 हो तो उसके लिए कैसे बोर्ड एग्जाम देना है आपको ना, तो पीछे का याद होना चाहिए ना, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करें, न कि सर ने इतना ही पढ़ाया, इतना ही किया, ये किया, वो किया, अब मैथ में आपको मैं 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ा दिया, तो 7 चैप्टर सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा ना, आपको 7 चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, उसको एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार नहीं 4 बार, उसको और रिविज़न कीजिए और बनाइए ताकि आपको सब सवाल आ जाए। मैं तो लगभग 99% सवाल बोर्ड पर बना ही दिया हूँ, 1-2 सवाल ही छोड़ा हूँ, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, एक दिन 2 दिन आपको वीडियो न मिले तो आपका काम यही है कि पीछे वाले वीडियो को उठाइए या पीछे वाले चैप्टर उठाइए, उसको रिवीजन करना शुरू कीजिए। मैं रोज़ इसलिए नहीं डालता हूँ, तो रोज़ डालूंगा तो आप खाली रोज़ यही पढ़ोगे, पीछे का पढ़ोगे, इसलिए मैं वीडियो को एक दिन गैप करके डालता हूँ कि आज पढ़ोगे, कल जब पढ़ने बैठोगे आपके पास कोई काम नहीं होगा, पीछे वाला वीडियो उठा के पढ़ोगे आप, ओके।